हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर की है। और एक्सेस में अगर बात करें एसक्यूएल व्यू में, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो इजीली बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एसक्यूएल व्यू में करनी पड़ती है। तो पूरा एक फुल जो है, एक तरह से कह सकते हैं, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कैसे बनाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल व्यू में, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर दीजिए। तो ये एक्सेस का 2021 है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और इसी पर हम काम करने वाले हैं। और यहाँ से देखिए ब्लैंक डेटाबेस दिख रहा है, तो बस इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं इस ब्लैंक डेटाबेस का। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेटाबेस 261 नाम आ रहा है, लेकिन आप चाहे तो नाम यहाँ से हटा करके चेंज कर सकते हैं। बाकी तो एक्सटेंशन आपको दिख ही रहा है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा। अब इस टेबल को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज कर दिया यानी टेबल तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ डेटाबेस की जरूरत थी जो कि हमें मिल चुका है। अब यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे हम, और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पर नजर आएगा एसक्यूएल। तो बस यहीं पर अब आ जाना है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है। तो क्रिएट टेबल यहाँ पे लिखता हूँ और टेबल बनेगा प्रोडक्ट डिटेल के नाम से। तो ये प्रोडक्ट डी के नाम से टेबल बना दिया। और टेबल बनाने के बाद ब्रैकेट को आपको ओपन कर लेना। अब इसमें फील्ड कौन कौन से आएंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। देखिए ये एसक्यूएल व्यू में बन रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जनरली जैसे मैं कराता हूँ वैसे नहीं कर रहे हैं, ये एसक्यूएल व्यू में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन सा डेटा टाइप होगा, जरा सोचिए। नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट का नाम है, जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्किट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी ऐसा है, तो आप नाम लिखते हैं ना, तो नाम तो सेट ऑफ कैरेक्टर होगा। तो जब भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बात आएगी तो हम क्या करते हैं, कौन सा डेटा टाइप लिखते हैं, कैर लिखिए या वेर कैर लिखिए या टेक्स्ट लिखिए, इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एन कैर भी काम करेगा, एक डेटा टाइप आता है एन कैर, ठीक है, जो कि आपको मिलता है कहां पर, लिब्रा ऑफिस में मिलता है, लिब्रा ऑफिस बेस्ड डेटाबेस में। तो क्या यहाँ पे एन कैर काम करेगा, एक बार चेक करते हैं यहाँ पर। इसके बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा करके क्या करेंगे, कॉमा लगा, देखिए साइज भी मेंशन कर दिया 20 मैक्सिमम साइज हमने दे दिया है। कॉमा लगा करके अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट की प्राइस की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस कर दिया। और प्राइस को क्या हम करेंसी रख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए CURRENCY करेंसी यहाँ पे किया है, तो चेक करेंगे कि करेंसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद से हम यहाँ पे यूनिट डालेंगे, तो यहाँ पे यूनिट को हम डेसिमल में लिखेंगे, फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो ये फ्लोट कर दिया, फिर कॉमा लगा करके अब यहाँ पर क्या करना है, अब ये काम हो गया है, अब हमको यहाँ पर टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, कैसे टोटल करेंगे, तो प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे यूनिट तक रख करके और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ से टर्मिनेशन देते हैं, और टर्मिनेशन देने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये लेता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर एन कैर डेटा टाइप यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम सिर्फ कैर रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ कैर रखते ही अब ये सपोर्ट करेगा और यहाँ पे ये क्वेरी रन हो जाएगी, और रन होते ही हमें ये नजर आएगा, ये देख सकते हैं ना, यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से नजर आएगा। अब इसमें जो भी प्रोडक्ट आप नेम डाल सकते हैं, अब ये कोड के थ्रू भी हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्टली डाल सकते हैं, तो डायरेक्टली डालेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं डेस्कटॉप, तो ये लिखा डेस्कटॉप, ये पहला प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे प्राइस इसकी है 30,000 और यहाँ पे यूनिट 5, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगला प्रोडक्ट जो है वो हम कर देते हैं हेडफोन, तो ये कर दिया हेडफोन इस तरीके से। और हेडफोन करने के बाद यहाँ पर हेडफोन का जो अमाउंट है, कितने का है हेडफोन, वो यहाँ पे डाल देंगे। एक हेडफोन 1200 का है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे 10 हेडफोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस आना चाहिए। तो टोटल प्राइस कैसे आएगा, तो पहले तो इस क्वेरी को हम सेव करेंगे, तो यहाँ पर टेबल क्यू के नाम से सेव करूंगा, क्योंकि टेबल के लिए क्वेरी ये लिखी गई थी, तो ये टेबल बना था, ठीक है। अब इसको सेव करके क्लोज करता हूँ, इसको भी सेव करके क्लोज कर देता हूँ। एक दूसरी क्वेरी बनानी होगी, तो क्रिएट पे जाके फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और फिर वापस वही एसक्यूएल व्यू पे आ जाना है और सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट क्या क्या करना है, तो वो हमें देखना होगा यहाँ से, ठीक है। देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस है और यूनिट है, इन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम अंडरस्कोर ऑफ, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है, थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे प्राइस हो जाएगा और कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइस और यूनिट तक तो हम आ गए, अब यहाँ कॉमा लगा करके प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर लेते हैं, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कर देते हैं इसमें करेंगे। अब इस फील्ड को नाम भी तो देना है, तो यहाँ पे कर देते हैं एज टोटल प्राइस, टोटल अंडरस्कोर प्राइस, इस फील्ड को हमने नाम दे दिया टोटल प्राइस, ठीक है। और कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारे, तो प्रोडक्ट डी, तो PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पे डी कर देते हैं और यहाँ से टर्मिनेट करेंगे। तो ये इस तरीके से क्वेरी तैयार,
अब इस टेबल को क्लोज करेंगे और यहां पर क्वेरी डिजाइन पे जाके इसे रन करेंगे। तो रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर टोटल प्राइस भी शो होने लगा, यानी हमने ये भी कैलकुलेट किया कि टोटल प्राइस को शो कराना है एसक्यूएल व्यू में, तो कैसे शो करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए अलग अलग चीजें, जैसे यहां पर आप माउस देंगे ना, यहां पर लिखा माउस और यहां पर माउस की प्राइस आएगी, तो ₹200 प्राइस है और मान लीजिए कि 123 यानी 123 माउस जो है परचेज किए गए या सेल किए गए जो भी है, तो यहां पर देखिए टोटल प्राइस अपने आप आएगा। फिर एक बार और दिखाता हूं, देखिए यहां पर है चार्जर, यहां पर लिखता हूं चार्जर, तो ये CHARGER चार्जर हो गया। अब चार्जर की प्राइस है तो ₹750 मान लीजिए प्राइस है चार्जर की, और यहां पर 20 चार्जर परचेज किए गए, तो यहां देखिए प्राइस अपने आप आता चला जाएगा। इसी तरीके से आप टैक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इजी है ना, एसक्यूएल व्यू में भी बहुत आसानी के साथ काम किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना। ये करने के बाद चाहे तो आप फॉर्म बना सकते हैं इसके लिए। फॉर्म कैसे बनेगा, फॉर्म बनाना तो बहुत आसान है, कई बार बता चुका हूं। यहां से क्रिएट पे जाइएगा और यहां देखिए अलग अलग तरीके के फॉर्म आपको मिलते हैं। एक तो आपको ब्लैंक फॉर्म मिलता है, दूसरा फॉर्म डिजाइन से जा सकते हैं, यहां से फॉर्म विजार्ड से जा सकते हैं, नेविगेशन फॉर्म बना सकते हैं, मोर फॉर्म पे जाकर के भी आप फॉर्म बना सकते हैं, मॉडल डायलॉग से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल डायलॉग से जाएंगे तो भी आप फॉर्म बना पाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मॉडल डायलॉग आ गया। अब यहाँ पर एड एग्जिस्टिंग फील्ड आ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो भी एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं वो आपको दिखाई पड़ते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। या आप चाहें तो क्वेरी के बेस पे फॉर्म बना सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा सब फॉर्म आपका बनेगा क्वेरी के बेस पे। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से नजर आएगा, देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ओके का बटन भी दिखाई दे रहा है कि आप क्या सेव चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, यहाँ पर फिलहाल तो इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर ये सब फॉर्म है, यहाँ पर इसे डिजाइन पर जाकर के और फिर यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से मॉडल डायलॉग से भी काफी अच्छा लुक आएगा, तो यहाँ से जाकर के इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए, इसको फिर यहाँ से छोटा करिए थोड़ा सा, इसको एक प्रॉपर फॉर्म का लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसे फॉर्म का एक लुक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके और इसका कलर जो है ब्लैक रखना है, ठीक है, तो ये ब्लैक कलर रखिएगा और ब्लैक कलर रख करके और यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करना है आपको, बोल्ड पे, तो ये बोल्ड हो जाएगा और बोल्ड होने के बाद बीच में यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको करना क्या है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां से जाकर के और यहां से इसे इस तरीके से कर लेना है। ये देखिए कलर बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया है, तो अभी आप देखेंगे तो ये हमारा सब फॉर्म, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से ये हमारा सब फॉर्म है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप बटन्स भी बना सकते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया प्रोडक्ट, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो भी आएंगे। और यहाँ से जब आप बटन बनाएंगे ना, तब देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा बटन है, तो यहाँ से जाकर के एक बटन बना करके दिखाता हूँ, क्योंकि कई वीडियो में बटन बनाना मैंने दिखाया है। तो ये गए और यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से जो है सेव करना है या प्रिंट करना है, तो यहाँ प्रिंट का एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ से गए और यहाँ से अब फिनिश कर दिया, तो ये प्रिंट रिकॉर्ड का बटन तैयार हो गया। तो अभी प्रिंट रिकॉर्ड का बटन तैयार होने से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां पर आएंगे और यहां पर इसे लेआउट करते हैं, यहां पर आए अब क्लिक किया, तो क्लिक करते ही देखिए ये प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये सब कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।